हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप अगर एक न्यू बाइक लेना चाहते हो, इवन आपका बाइक 1.45 लाख है, यानी कि 1,45,000 रुपीस आपका बजट है, एंड आप सोच रहे हो आपको कौन सी बाइक को पिक करना चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट पे अभी बहुत सारा ऑप्शन ऐड हो चुका है 1,45,000 रुपीस के अंदर। सो इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। आज मैं आपको बताऊँगा टॉप 5 160cc बाइक जिसका प्राइस 1,45,000 रुपीस के अंदर आता है। इन सभी बाइक के जो फीचर से माइलेज है, टॉप स्पीड, टायर साइज, सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या पर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 05 राइडर एंड आप सभी को रिव्यू सलाह। आज की इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आता है एक फ्रेश एंड न्यू बाइक बजाज की ओर से N160 पल्सर। यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स ऑफर किया गया है, यानी कि एक राइडर को जो जो चाहिए था 160cc बाइक्स के अंदर सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। इवन आपको इस बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS का भी ऑप्शन ऐड हो चुका है। बिल्कुल फ्रेश बाइक है, न्यू बाइक है। प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए तो लगभग ड्यूअल चैनल ABS के लिए आपको 1,55,000 देना होगा, सिंगल चैनल ABS के लिए 1,50,000 देना होगा। इंजन एंड पावर की अगर बात किया जाए, यहाँ पर आपको 160cc का पावरफुल इंजन प्रोवाइड किया गया है, जो काम करते 16.1 bhp पावर एंड प्रोड्यूस करते 14.4 न्यूटन मीटर टॉर्क। सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक टू वाल्व का बाइक है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। इस बाइक के अंदर ऑयल कूलिंग की ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि NS160 पर ऑयल कूलिंग की ऑप्शन है, सेम टू सेम आपको यहाँ पर ऑयल कूलिंग की ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। न्यू पल्सर N160 पर आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर ब्रॉड 300mm के डिस्प्ले, रियर पर 230mm के डिस्प्ले, एंड जो टायर साइज है भाई बहुत ही बढ़िया है। 136mm का टायर साइज है रियर पर, फ्रंट पर 186mm का टायर है, बाइपरे की कैलिपर है, यानी कि टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। आपको अच्छा एक राइड प्रोवाइड कराने के लिए टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। सो देखो, MT15 वर्जन 2.0 पर भी आपको ड्यूअल चैनल ABS का सपोर्ट नहीं आता है। पल्सर N160 जिसका प्राइस लगभग 1,55,000 है, यहाँ पर आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आता है 14 लीटर का फ्यूल टैंक, जिस पर आपको USB चार्जिंग स्लॉट का भी ऑप्शन के साथ ही आता है। इसकी जो मीटर कंसोल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इन्फिनिटी बेजललेस डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, बहुत सारे ऑप्शन आप लोग नोटिस कर सकते हो। बट आई होप यहाँ पर भी स्मार्ट कनेक्टिविटी की फीचर्स अगर आ जाता तो और भी अच्छा होता, यानी कि ब्लूटूथ की फीचर्स अगर यहाँ पर होता तो। बट इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच के ऑप्शन तो नहीं मिलता है, बट इसकी जो इंजन है काफ़ी रिफाइन है, इसकी वजह से आपको लगभग 45 से लेकर 50 तक माइलेज प्रोवाइड किया जाएगा। इस बाइक के अंदर फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है, रियर पर मोनोशॉक सस्पेंशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, सिंगल हैंडल बार आता है, एंड इस बाइक की जो हेड लैम्प है ना काफ़ी अट्रैक्टिव है। दोनों DRL के साथ फ्रंट पर प्रोजेक्टर हेड लैम्प, दिखने में बहुत ही मॉन्स्टर वाला फीलिंग्स आता है। नंबर 2 पर आता है यामा की ओर से FZX। बहुत ही शानदार एंड अट्रैक्टिव बाइक है, कुछ ही महीने पहले इंडियन मार्केट पे लॉन्च किया गया है, जहाँ पर कम पैसे के अंदर फीचर सबको भर भर के ऑफर किया गया है। तो चलिए इस बाइक के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। ये एक 150cc का बाइक होने के बाद भी आपको यहाँ पर 12.4 bhp पावर, 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क, सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, फोर वाल्व एयर कूलिंग की ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको यहाँ पर 50 तक माइलेज प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की फीचर्स, आपको यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर, 140cc का टायर दिया गया है। अब बात करते हैं FZX का ऑन रोड प्राइस क्या है इंडियन मार्केट पे। सो आप अगर इसको लेने जाओगे तो आपको 1,45,000 रुपीस देना होगा इस बाइक के लिए। नंबर 3 पर आता है बहुत ही फेमस बाइक, यानी कि TVS कोर्से अपाची RTR 164B। इस बाइक की प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सारा स्पेसिफिकेशन आपको ऑफर किया जा रहा है इंडियन मार्केट, एंड इस बाइक का टोटल 4 वेरिएंट इंडियन मार्केट पे अवेलेबल है। आप चाहो तो सिंगल चैनल ABS ले सकते हो, ड्यूअल चैनल ABS, ड्यूअल चैनल ABS के साथ स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स, और एक है ड्यूअल चैनल ABS के साथ विदाउट स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स, और एक हायर मॉडल आता है TVS अपाची RTR 164B का, जो है स्पेशल एडिशन। सो आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, बट सबसे हायर वेस्ट मॉडल में प्राइस बता रहा हूँ 1,60,000 के अंदर जो मॉडल आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन मार्केट पे, उसके ऊपर आपको ड्यूअल चैनल ABS, स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ब्लूटूथ नेविगेशन के ऑप्शन, दो मोड यानी कि रेन एंड अर्बन मोड भी देखने को मिल जाएगा आपको। एंड इस बाइक के अंदर 136mm का रियर टायर, फ्रंट पर 90x90 सेक्शन का टायर, एंड इंजन एंड पावर की अगर बात किया जाए,
काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यानी कि 160 सीसी का इंजन आपको प्रोवाइड किया गया है जो सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक फोर वाल्व के साथ ऑयल कूल पे ऊपर चलता है। बट पावर की अगर बात किया जाए 17.7 bhp पावर 14.7 न्यूटन रफ टॉर्क के साथ इसका पावर आता है। रियर की जो डिस्प्ले है काफ़ी ब्रॉड है 230 mm, फ्रंट की जो डिस्प्ले है 270 mm की डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया गया है। ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये आता है। सो बाइक बहुत ही फीचर्स लोडेड है, बहुत ही पावरफुल है एंड ये बहुत ज़्यादा सेल भी होता है इंडियन मार्केट पे। नंबर फोर पर आता है यामा की सबसे बिकने वाला बाइक यामाहा FZS। इस बाइक के बारे में अगर बात किया जाए सो हर एक सिटी में हर एक विलेज के अंदर आपको यह बाइक नज़र आ जाएगा, क्योंकि कम प्राइस में सबसे मोस्ट वैल्यू पर बाइक्स के अंदर यह बाइक आता है। तो चलिए इस बाइक के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। यामा की सबसे बिकने वाला बाइक यानी कि यामाहा FZS A5 VS6 मॉडल, ये इंडियन मार्केट पे बहुत ज्यादा सेल होता है क्योंकि आपको यहाँ पर 150 सीसी इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 12.4 bhp पावर एंड इसके अंदर आपको 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क भी देखने को मिल जाता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक फोर वाल्व ऑयल कूलिंग के साथ ये बाइक आता है एंड आपको यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन की वजह से इसकी माइलेज बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। लगभग आपको 50 तक माइलेज यहाँ पर भी ऑफर किया जाता है। इसके अंदर आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स 130 सेक्शन का टायर भी आपको देखने को मिल जाता है। इस बाइक की जो कलर वाइज है बहुत ज़रा अच्छा कलर मुझे पसंद है एंड यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की फीचर्स भी अवेलेबल देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में। सो इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है 130,000। आप अगर इसको लेने जाओगे इतना आपको देना होगा एंड ये बाइक सबसे ज्यादा सेल होता है इंडियन मार्केट पे, क्योंकि 150 सीसी ऊपर से आपको 50 तक माइलेज भी एंड आपको यहाँ पर 130 यानी कि 130,000 इसका प्राइस आता है, जिसकी वजह से इसका सेल बहुत ही तगड़ा होता है। इस लिस्ट के सबसे अंत में यानी कि नंबर 5 पर आता है बजाज पल्सर NS160। नंबर 5 पर मैंने क्यों रखा है इस बाइक को, क्योंकि इस बाइक की तुलना में अदर्स जो बाइक इंडियन मार्केट पे प्रेजेंट है जहाँ पर आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी के फीचर्स, USB चार्जिंग स्लॉट, ब्लूटूथ नेविगेशन जैसे ऑप्शन, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, LED हेडलैम्प, बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। 125 सीसी के अंदर भी आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट NS160 एक पावरफुल एंड स्टाइलिश बाइक होने के बाद भी आपको यहाँ पर स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स, ब्लूटूथ के ऑप्शन या फिर गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है। बट यहाँ पर आपको पावर तो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। 163 सीसी इंजन के साथ ये आता है, 17.4 bhp लगभग आपको पावर प्रोवाइड किया जाता है एंड 14.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ इसका इंजन काम करता है। सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक फोर वाल्व ऑयल कूल पे चलने वाला इंजन है एंड बहुत ही रिफाइन इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन की सपोर्ट है, इसलिए आपको यहाँ पर बेहतर माइलेज प्रोवाइड किया जाता है। 45 तक माइलेज आपको NS160 पर दिया जाता है। बात करते हैं अदर स्पेसिफिकेशन की। सो 120x80 सेक्शन का रियर टायर आता है जहाँ पर आपको 230 mm डिस्प्ले दिया गया है, बट रियर पर कोई भी ABS के ऑप्शन नहीं है। फ्रंट पर आपको 282 mm के डिस्प्ले है, फ्रंट पर ABS की ऑप्शन है। 90x90 सेक्शन का टायर के साथ यह आता है, यानी कि बजाज पल्सर NS160 2022 पर भी आपको सिंगल चैनल ABS के साथ ही प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करते हैं प्राइस के बारे में। 145,000 के अंदर आपको बजाज पल्सर NS160 प्रोवाइड किया जाएगा 2022 पर। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, NS160 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट पर लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बना कर रखा है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों बारी लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। इवन NS200 का भी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट पर लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बना कर रखा है। आप चाहो तो वो वाला वीडियो, डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों बारी आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों आज का टॉप 5 वाला लिस्ट यही तक था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो जो दोस्त 1.45 लाख के अंदर बाइक ढूंढ रहे हैं एंड 160 सीसी बाइक लेना चाहते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।